हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी तो हमने फोर्स एंड मोशन का चैप्टर शुरू कर रखा हुआ है और उसका जो एम सी क्यूस नंबर सिक्स है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है द लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज़ फर्स्टली पब्लिश बाई न्यूटन इन हिज बुक प्रिंसिपिया द डायमेंशनल रिप्रजेंटेशन ऑफ इनर्शिया इज़ न्यूटन ने सतरवीं सदी में एक किताब लिखी जिसका नाम प्रिंसिपिया था उसमें एक बाकायदा चैप्टर था मैकेनिक्स के नाम का जिसमें उसने लॉज ऑफ मोशन जो थे पेश किए थे इन लॉज ऑफ मोशन को हम न्यूटनज़ लॉज ऑफ मोशन बी कहते हैं उसमें जो पहला लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है अच्छा अब इस सवाल ये है कि जो इनर्शिया होता है इसको हम डायमेंशनली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं एम वन एल वन टी माइनस वन एम वन एल जीरो टी ज़ीरो एम वन एल जीरो टी वन या फिर एम जीरो एल वन टी माइनस वन ये चार ऑप्शन हैं आप ज़रा बताएँ कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज़ एम वन एल जीरो टी ज़ीरो इसकी डिटेल देखते हैं बेसिकली जो इनर्शिया होता है ये क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मैस का नाम है यानी इनर्शिया मैस का ही दूसरा नाम है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया तो फिर जो इनर्शिया है इसके यूनिट्स और डायमेंशनस वही होंगे जो मैस के होते हैं और मैस का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है तो इस तरह से इनर्शिया भी इनर्शिया का यूनिट भी किलोग्राम होगा और जो इस तरह के इनर्शिया के जो डाइमेंशंस हैं वो भी मैस वाले ही होंगे और मैस का डायमेंशन होता है एम वन एल ज़ीरो टी जीरो सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आगे चलते हैं एम सी क्यूज नंबर सेवन इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है इफ़ द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी वी इज़ डबल्ड बाय कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन विल बिकम एक ऑब्जेक्ट है उसका मैस एम है वो वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है अगर हम उसके उसके मैस को डबल कर देते हैं फोर्स उतनी ही रहने देते हैं जितनी पहले लग रही थी फोर्स को हमने कांस्टेंट रखा सिर्फ मैस को डबल किया तो उसके एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा ऑप्शंस हैं हाफ आधा रह जाएगा डबल दो गुना हो जाएगा वन फोर्थ चार गुना कम हो जाएगा या फिर रिमेंस कांस्टेंट कोई फर्क नहीं आएगा तो कौन सी ऑप्शन आपके ख्याल में सही है अब जरा जल्दी से बताएं द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज हाफ जी हां आधी रह जाएगी बाय न्यूटन सेकंड ला द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरिस इनवर्सली विद इट्स मास यानी न्यूटन के जो सेकंड लॉ है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो एक्सेलरेशन है वो मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैस के साथ यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है अब अगर यहां पे हम फोर्स को कांस्टेंट रखते हुए मैथ्स को डबल करेंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा कि एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा और अगर मैथ को हाफ करेंगे तो एक्सेलेशन डबल हो जाएगा इसके बरक्स अगर हम फोर्स को डबल करेंगे तो एक्सेलेशन भी डबल होगा और फोर्स को हाफ करेंगे तो एक्सेलेशन भी हाफ होगा क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दैट्स इट आगे चलते एम सी क्यूज नंबर एट डाइन इज अ यूनिट यूज टू मजर द स्मॉलर अमाउंट ऑफ फोर्स डू यू नो वन डाइन इज इक्वल टू जब हम बहुत छोटी मजरमेंट कर रहे होते हैं फोर्स की जो स्मॉलर अमाउंट्स होती हैं फोर्स की जब उनको मेजर करना होता है तो फोर्स के लिए न्यूटन की बजाय एक और यूनिट है जिसको हम डाइन कहते हैं वो भी यूज़ किया जाता है अब यहाँ पे सवाल ये है कि वन डाइन जो होता है उसमें एग्जैक्टली exactly कितने न्यूटन होते हैं ऑप्शनस कुछ इस तरह से हैं टेन वेस्टू द पावर माइनस थ्री न्यूटन टेन वेस्ट टू दावर माइनस फोर न्यूटन टेन वेज टू द पावर माइनस फाइव न्यूटन या फिर टेन वेज टू द पावर माइनस सिक्स न्यूटन तो कौन सी ऑप्शन सही है आपके ख्याल में आप ज़रा सर्च करके बताएं अपनी किताबों में द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज़ टेन वेज टू द पावर माइनस फाइव न्यूटन जैसे मैंने पहले बताया कि डाइन जो है ये फोर्स का एक यूनिट है लेकिन ये एस SI आई यूनिट नहीं है बल्कि ये सी जी एस सिस्टम जो है सेंटीग्रेड ग्राम और सेकेंड वाला जो सिस्टम है फिजिकल यूनिट्स का उसमें हम फोर्स को डाइन में मेजर करते हैं और अगर हम वन डाइन फोर्स की डेफिनेशन की बात करें तो वन डाइन इज़ इक्वल टू तो द फोर्स दैट वुड गिव अ फ्री मास ऑफ वन ग्राम एंड एक्सेलरेशन ऑफ वन मीटर वन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी वन डाइन वो फोर्स होती है जो वन ग्राम के ऑब्जेक्ट को वन ग्राम मैस वाले ऑब्जेक्ट को वन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्क्शन देती है और वन डाइन इज इक्वल टू जीरो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो टेन रेस्वती पावर माइनस फाइव न्यूटन भी लिख सकते हैं आगे चलते हैं एमसी नंबर नाइन एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फ्रीली फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन फर्स्ट टू सेकेंड्स विल बी एक ऑब्जेक्ट है उसको हम फ्रीली फॉल यानी आज़ादी से उसको गिरने देते हैं अंडर दी एक्शन ऑफ ग्रेविटी लाइक हम बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं और हमारे हाथ में कोई चीज़ है और उसको हम छोड़ देते हैं तो वो ज़मीन की तरफ ग्रेविटी की वजह से गिरना शुरू हो जाता है पहले दो सेकंड्स में वो कितना फ़ासला तय करेगा ये हमारा सवाल है और ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं 4.9 मीटर्स 9.8 मीटर्स 19.6 मीटर्स या फिर 39.2 मीटर्स तो कौन सी ऑप्शन सही है इसको कैलकुलेट करके हमें बताएं द करेक्ट ऑप्शन इज़ 19.6 मीटर्स जी हाँ 19.6 मीटर्स का डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा पहले दो सेकंड्स में इसकी ज़रा डिटेल देख लेते हैं द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज़ फाउंड बाई ये जो इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसके साथ हम ये फासला मालूम करेंगे एंड दैट इज एस इज गल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र यहाँ पे वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ ज़ीरो मीटर पर सेकेंड जब वो हमारे हाथ में था तो उसको हमने छोड़ा तो उस लम्हे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी और टाइम कितना हम देख रहे हैं टू सेकेंड पहले दो सेकेंड्स तो फिर इस तरह से इस इक्वेशन में वी आई की जगह ज़ीरो टी की जगह टू प्लस हाफ एज इट इज़ जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट और टी की जगह टू का स्क्वायर रखा ये वाला जो वन ओवर टू का जो ये टू है इस, आ, इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा पीछे सिर्फ एक टू रह जाएगा और ये ज़ीरो मल्टीप्ल बाय टू जो है ये ज़ीरो हो जाएगा तो जीरो बाय टू जीरो और नाइन मल्टीपल बाय टू रह जाएगा क्योंकि ये एक टू जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो इस तरह से नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई टू बिकम्स नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर तो इस तरह से आपने देखा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले दो सेकेंड्स में नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करेगा आगे चलते हैं एम सी क्यूज नंबर टेन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स द चेंज दिस चेंज इन मोमेंटम इज़ ऑल्सो एक्सप्रेसड एज ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट के लिए और इसको अब की बार मैं जोड़ रहा हूँ एक और चीज़ के साथ जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है और ये जो चेंज इन मोमेंटम है द सिंपल चेंज इन मोमेंटम इसको एक और तरह से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं फोर्स टॉर्क इम्पल्स या फिर एक्सेलरेशन तो कौन सी ऑप्शन इनमें से सही है जल्दी से हमें बताएं द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज इम्पल्स जी हाँ जो सिंपल चेंज इन मोमेंटम है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात नहीं हम कर रहे हम सिंपल चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो जो सिंपल चेंज इन मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू द इम्पल्स और इम्पल्स क्या होता है इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम यानी आई को हम एफ क्रॉस टी के साथ लिखते हैं यहाँ आई स्टैंड फॉर इम्पल्स एफ इज़ द फोर्स टी इज द टाइम और जो फोर्स होता है दैट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टी जब ये एफ की ये वैल्यू इस इक्वेशन में एफ़ की जगह रखेंगे तो ये वाला जो टी है इस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो हमारे पास बचेगा दैट इज़ आई इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जिसको हम सिंपली चेंज इन मोमेंटम कहते हैं इस तरह से जो इम्पल्स है वो सेम वैसा ही है जैसे मोमेंटम होता है तो फिर इसके जो यूनिट्स और डाइमेंशंस हैं ये भी सेम होंगे और इम्पल्स के जो एसआई यूनिट्स हैं वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है जिसको हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं और इसके जो डायमेंशनज हैं वो हैं एम वन एल वन टी माइनस वन थैंक यू वेरी मच कीप वॉचिंग गुड बाय